attacks were completed. The governor of Kalashok, was Mahanand. At Pataliputra. Comma lagayega, then write. Kalashok was assassinated. Kalashok was assassinated by Mahapadmanand. Mahapadmanand, who was a low born जो आपकी इच्छा, आप जो चाहे वो लिख सकते हैं, ठीक। अब इसकी गारंटी मैं तो नहीं ले सकता ना कि आपको लो बॉर्न क्या सुनाई दे रहा है, ठीक। उधर लिखा भी है लो बॉर्न है वो, ठीक। He was a low born and belonged to Shudra community. देखिए, if we go by the story, राजा व राजा है, इनका सब चलता रहता है, ठीक है। रानियां होने के बावजूद भी इनका कई सारे लोगों से अफेयर रहता है, ठीक है। सो कालाशोक का भी अफेयर हुआ करता था विद अ लेडी नेम पद्मा, ठीक है। एंड कालाशोक और पद्मा का ही बेटा हुआ करता था महापद्म, और ये नाम जो है ऐसे ही पड़ा है, महा से ये लिया गया, ठीक। क्यों? क्योंकि महानंद ने ही क्या किया था, तो पद्मा को केयर टेक किया था और उनके साथ शादी भी करी ताकि लेजिटिमेसी दी जा सके, ठीक है। तो उसको पता था कि दैट ही इज द फादर, ठीक है। लेकिन इसने प्रॉमिस तो बहुत किया कि नहीं, ठीक है, मैं तुम्हें रानी का दर्जा दूंगा, ये सब दूंगा, बट उसके बाद इसने कुछ नहीं दिया, ठीक है। ये भाग गया कालाशोक, ठीक है। अब भाई राजा है, ठीक है, ये लोग थोड़े किसी के पीछे जाते हैं, उनके पास तो ऑब्वियसली पावर है ना। या यूं कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि राजा ही गया होगा, ठीक, लेडी भी तो आ सकती है, ठीक। तो उसके बाद कालाशोक ने उनको लेजिटिमेसी नहीं दी, ही नेवर गेव द नेम टू पद्मा, ठीक है। और पद्मा एंड ये जो बच्चा होता है, ठीक है, इनको पता होता है कि भाई मेरा फादर कौन है। स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हेन ही रेज्ड, ही वाज हैविंग अ बोल्ट इन हिज हार्ट, ठीक है, कि इसको क्या करना है, इसको मारना है, इसने मेरी माँ को बहुत सताया है, ठीक, क्योंकि बचपन से कहानी सुन के पैदा हुआ है, ठीक, कि प्रॉमिस किया लेकिन निभाया कभी नहीं। तो उसके बाद इसने नाम, इसका नाम जो है वो भी इसी तरीके से होता है, महापद्म और नंद, ठीक है। तो अपनी माँ का नाम भी ये साथ में कैरी करता है, और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य जो था वो ये था कि मैं जितने क्षत्रिय हैं, क्योंकि क्षत्रिय लोग बहुत बेकार होते हैं अकॉर्डिंग टू हिम, he must have seen something in the society, ठीक। necessity is the mother of invention, है कि नहीं। necessity feel हुई क्यों, क्योंकि क्षत्रिय लोग जो हैं ये exploit कर रहे होंगे किसको, शूद्र को, ठीक, या lower classes को, specially women, उनको slave बना के रख लिया, ठीक, जैसे मन चाहो उनको वैसे treat किया। so इसके मन में ये चीज पहले से थी, तो उसने क्या किया कि जब जैसे ही मैं राजा बनूंगा या मेरे पास power आएगी, जितने भी क्षत्रिय हैं सबको मार डालूंगा, ठीक। एंड ही डिड सो, ही किल्ड ऑल द क्षत्रिय नियर मगध, जितने भी मगध के आसपास क्षत्रिय किंगडम हुआ करते थे, और छोटे मोटे जो बच गए वो बच गए, लेकिन जितने भी बड़े क्षत्रिय हुआ करते थे उन सबको मार दिया, ठीक है, बिकॉज ऑफ रिवेंज, ठीक। तो राजा होते यही करते हैं, ये तो एंशिएंट टाइम में। आप मॉडर्न टाइम्स में जाएंगे, स्टालिन का नाम सुना है, 2 लाख लोग को मरवा दिया था इसने, ठीक, बोले एंजॉय कर रहे हैं, गाना गा रहे, बोले गाना गा रहे मार दो, कहां गाना गा रहे, बोले यूरोप का गाना गा रहे, ठीक। असैसिनेशन, 2 लाख लोग इकट्ठे मार दिए गए, खत्म कहानी, ठीक।
तो राजा जब तक क्रूर नहीं होगा तब तक जनता जो है उसकी सुनेगी कहां। ठीक, तो लो इसने भी पूर्णता दिखाई और ही हैज बिकम महाशात्रान तक इसने टाइटल लिया। महाशात्रांतक, किलर ऑफ क्षत्रिय, तो इसने एक और टाइटल लिया, एक रथ की लोन सर्वाइवर, मैं ही मैं हूं। ठीक है, मुझमें एकदम, बाकी सब है कम। ठीक है, ये इसका कहना था। सबको मार दिया और उसके बाद कलिंग तक पहुंचा। इसने कलिंग को भी क्या किया था, कैप्चर किया था। कलिंग का नॉर्दर्न पार्ट, पूरा कलिंग नहीं, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कलिंग ही हैज कैप्चर, जो आपका प्रेजेंट डे उड़ीसा है वो छोटा है, वो कलिंग है। लेकिन पहले क्या है, कलिंग बहुत बड़ा हुआ करता था। ठीक है, आपका कुछ पार्ट ऑफ आंध्र, कुछ पार्ट ऑफ बंगाल भी उसका पार्ट हुआ करता था। ठीक है, तो ही हैज कैप्चर्ड कलिंग, टेकन द टाइटल एकरथ, और इसको कभी कभी उग्रसेन भी कहा जाता है। ठीक है, उग्र मतलब होता है लार्ज और सेन का मतलब होता है सेना, दोनों को मिला बिकॉज ही हैज द लार्जेस्ट आर्मी, दैट्स व्हाई ही वाज आल्सो कॉल्ड एज उग्रसेन। तो तीन कीवर्ड है इसके लिए, प्लस यही से बिगनिंग होती है कि शूद्र जो है वो भी क्या बन सकते हैं, राजा बन सकते हैं। ठीक है, बस आपके पास क्या चाहिए, इकोनॉमी, समझे। और एक बार एक लाइन, एक थॉट, इसको दिमाग में बिठा लो, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट लीड्स टू सोशल अपलिफ्टमेंट। ठीक है, पैसा है और इकोनॉमी आपकी अच्छी है तो स्टेटस पीछे पीछे आता है। ठीक है, और अगर आपके पास इकोनॉमी नहीं है, आप कितना ही सोशल अवेयरनेस, सोशल अपलिफ्टमेंट हो जाए, आपका कोई मतलब नहीं है। ठीक, आजकल देखिए लोग जो है प्राउड फील करते हैं, कास्ट जो है, अभी कास्ट को अलग समझा जाता है ना, ठीक है, अभी नहीं, अभी मतलब बहुत साल पहले, लेकिन कास्ट हैज बिकम आइडेंटिटी, कास्ट एज एन आइडेंटिटी। एक टाइम था जब लोग ये चाह रहे थे, मॉडर्न इंडिया से पहले, जब ब्रिटिशर्स आए उसके पहले, कि हमारे ऊपर से ये दाग हटा दिया जाए कि हम इसको बिलोंग करते हैं, हम ये कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हम शूद्र हैं, हम एससी हैं, हम एसटी हैं, हम ये हैं, वो हैं। अब उस पर लड़ाई होती है, हम शुद्ध गरीब, ये वाले जो हैं ये कम गरीब हैं, हम ज्यादा गरीब हैं, हमें कोटा दो। ठीक, अब उस पर लड़ाई हो रही है, बिकॉज कास्ट हैज बिकम एन आइडेंटिटी। सब चाह रहे हैं, सबको चाहिए क्या, कि हमें नौकरी मिले, हमें रिजर्वेशन मिले। ठीक, नहीं चाह रहे हैं, भाई गलत करें तो बताओ। अब इसी पे तो आंदोलन हो रहे हैं, अब लोग ये थोड़े चाहते हैं कि आप हमारी कास्ट से हमें बुलाओ मत, या हमारी कास्ट जो है उसको छुपा ले, नहीं, लोग अब उसको खुला पेश करते हैं, कास्ट हैज बिकम एन आइडेंटिटी। ठीक, कि लोग उसको आइडेंटिटी मान रहे हैं कि ये अगर ना हो तो फिर हमको कोई पूछेगा ही नहीं। अरे भाई, अगर आपको, आपके पास रिजर्वेशन का वो नहीं है, ठीक, कि तुम ये हो तुम वो हो, या EWS वाला जो नया चला है, ठीक, अगर आपके पास नहीं है तो ऑब्वियसली आपको कोटा नहीं मिलेगा, आप गरीब रह जाओगे। आप उधर जाइए, गुड़गांव, यहाँ तो नहीं मालूम मेरे को, बट गुड़गांव तरफ जाइए आप, हरियाणा दिल्ली का जो बॉर्डर है, मेरठ हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और आपका जो हरियाणा बेल्ट है, लोग गरीब हैं। ठीक है, और वो अमीर वाले गरीब हैं ना, आप देखिए उनके लड़के निकलेंगे, डीजल की जीन्स है, ठीक है, बेल्ट है बढ़िया, अच्छे खासे गुची प्राडा का बैग ले रखा है, ठीक है, और ऊपर चिल्लाते हैं पजेरो कट, ठीक है, और उसके बाद फिर आंदोलन करते हैं किसके लिए, हमें चाहिए रिजर्वेशन। पैसा खूब, चार चार गाड़ियां, कोठियां बना रखी हैं लोगों ने, ठीक, बट देन ऑल्सो दे नीड रिजर्वेशन। तो अभी जो एससी एसटी कैटेगराइजेशन चल रहा है, सब कैटेगराइजेशन, वो इसी के ऊपर है कि जबरदस्ती लोग फायदा उठा रहे हैं, जिनको सही में मिलना चाहिए रिजर्वेशन उनको तो मिल ही नहीं पा रहा है। ठीक, जिनको नहीं मिलना चाहिए वो इसको एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें हैं, सब तो नहीं बोली जा सकती, बट दिस इज बैड।
सोसाइटी में कि एक इंसान जो है रिजर्वेशन का फायदा उठा के वो रिच हो जा रहा है, उसका सोशल अपलिफ्टमेंट हो जा रहा है, और जिसको सच में जरूरत है, जो लोग गांव में रहते हैं जिनका अपलिफ्टमेंट नहीं हो पा रहा है, वो बेचारे अभी भी गरीब जी रहे हैं, उनको कोई पूछता ही नहीं है, उनके पास एजुकेशन नहीं है, उनके पास इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट नहीं है, पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, सब खत्म है। सोशल अवेयरनेस तो है, लेकिन सोशल अवेयरनेस कहाँ, ऐसे अपर क्लास में है, जो कि लोअर क्लास में होनी चाहिए, इन लोगों से कुछ सीखना चाहिए, ठीक है, ये लोग भी ऊपर आ सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि ऐसा कैसे हो गया कि हमारी जो सोसाइटी है वो शूद्र है, मतलब जो लोअर क्लास है वो कैसे राजा बन जा रहा है इतनी जल्दी, तो इतनी जल्दी नहीं बना है वो, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड से आप देख रहे हैं कि शूद्र जो है वो कौन सी सर्विसेज में रहता है, एग्रीकल्चर करता है, पीजेंट की तरह काम करता है, लेकिन खेती कितने महीने होती है, ज्यादा ज्यादा साल में 6 महीने, साल और साल में आपके देखो 12 महीने होते हैं, तो 6 महीने वो लोग क्या करते हैं। तब यहां से एक चीज समझिएगा कि शूद्र, ठीक है, कभी कभी कुछ चीजें बड़ी कॉन्सेप्चुअल होती हैं, इनको समझने के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि अच्छा ऐसा हुआ क्यों। ठीक, शूद्र जो है वो आपका पीजेंट की तरह काम करता है, ठीक, आई टोल्ड यू कि इनको कमीन बोला जाता था, ठीक, एंड दे आर वर्किंग एज अ पीजेंट इन एग्रीकल्चरल फील्ड, बट एग्रीकल्चर इज अ सीजनल थिंग, ठीक है, अभी अक्टूबर आएगा और क्रॉप्स जो है वो जैसे कि भी सितंबर तक तक बारिश होती रहती है, अक्टूबर आने के बाद सर्दियां आ जाएंगी, तो बढ़िया सर्दियों की फसल लगाओगे आप, गेहूं वगैरह उगाओ, गेहूं बाजरा ये सब, ठीक है, काफी क्रॉप्स जो होती है, ठीक, मार्च तक सिलसिला चलेगा, अक्टूबर में बो दिया उसके बाद ये फ्री है, अब इनको कुछ करना ही नहीं, क्योंकि सर्दियों वाली जो क्रॉप है उसको आप इतना पानी वानी देते नहीं है, ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है नहीं उसको, ठीक, एग्रीकल्चर हो गया, नाउ दे आर फ्री। अब यही जो पीजेंट है, ठीक, ये आपका वर्क कर रहे हैं किस फील्ड में, दे आर वर्किंग एज अ पॉटर, ठीक, यही लोग जो हैं एज अ लेबर काम कर रहे हैं किसमें, एज अ वीवर, ठीक, यही लोग काम कर रहे हैं कि ट्रेड में जो मजदूरी करते हैं, जो लेबर काम चल रहा है ट्रेड में, यही लोग कर रहे हैं, ठीक, और दे हैव बिकम द नेसेसिटी ऑफ द रिच ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स, भाई ये नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, जो आपका गहपति है, गहपति की को जरूरत है इनकी, ट्रेडर्स को जरूरत है इनकी, ये पॉटर बन जा रहे हैं, ये वीवर बन जा रहे हैं, टेक्सटाइल में ये काम कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव स्किल्स, ठीक, और जब ये इतनी डबल मेहनत करेंगे ये लोग, तो ऑब्वियसली धीरे धीरे इनके पास पैसा आएगा, मनी मार्केट में मनी, और जब पैसा आएगा तो ऑब्वियसली आपको लगता है कि कुछ सालों बाद ये लोग गरीब रह जाएंगे, नहीं भाई, एक रिक्शा वाला 10 साल रिक्शा चलाता है बढ़िया से मेहनत से, उसका उसने 4 रिक्शे ले लिया, अब वो कभी कभी चलाता है जो उसका फेवरेट रिक्शा है, जो फेवरेट कस्टमर है, बड़े बड़े लोग, ठीक, कि 200-250 रुपए मिलेगा तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा, ठीक, बाकी टाइम वो क्या करता है, जो बाकी 3 रिक्शे हैं उनमें लोगों को रखता है, बोले 500 दूंगा हर महीने का, मतलब हर दिन का, जाओ चलाओ, मेरे को 500 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए, 1000 कमाओ, तो अब वो क्या कर रहा है, दिन के 1500 कमा रहा है, और जो अपने से कमा रहे वो तो अलग, पर अगर दिन के वो 1500-2000 कमा रहा है तो महीने का 60,000 हो गया, ठीक है, तो 60,000 पर मंथ जो है वो कमा रहा है, वो गरीब थोड़े है, गरीब है, अरे वो अच्छी खासी सोसाइटी में रह सकता है, 20-25-30,000 का फ्लैट जो है किराए पे लेके रख सकता है, अपने बच्चों को क्या है एजुकेशन दे सकता है। तो अब ये जो शूद्र क्लास है ये ऊपर उठेगा, क्यों, क्योंकि इनके पास क्या आ रही है, इकोनॉमी, ठीक, और मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर आप इफ देयर इज इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट तो सोशल अपलिफ्टमेंट होने में समय नहीं लगता है, ठीक है, हो गया सोशल अपलिफ्टमेंट, चले गए ये लोग ऊपर, ठीक, नाउ दे हैव स्टेटस, नॉट ऑल द पीपल बट मेजोरिटी, ठीक है, कुछ लोग तो अभी भी गरीब होंगे। अब सेकेंड थिंग दैट कम्स टू योर माइंड, क्योंकि इसमें हम लोग को पढ़ना है, ये जो महाजनपद का टाइम पीरियड इवन मौर्यास में यू विल सी, वहां बताने की बजाय यही बता देता हूं मैं,
कि आप देखेंगे कि ये शूद्र ऊपर जाएगा, यही तो बीजन की तरह काम करता था, यही तो कमीन था, ये तो यहीं पे काम करता था, फिर अब ये ऊपर चलेगा तो काम कौन करेगा? Who will work? Now, यहां से आएगा स्लेवन। अभी तक जो स्लेव्स हुआ करते थे, जो आपके ऋग्वेदिक लेटर वैदिक टाइम पीरियड में जो स्लेव्स हैं, ठीक, बेसिकली वो स्लेव्स हैं जो जंग में हार गए, उनको आपने ले आए, उनकी फीमेल्स को कैप्चर कर लिया आपने, उनसे आप घर के काम करवा रहे हो, पशुओं का काम करवा रहे हो, तो उस तरीके लेजिटिमेसी नहीं थी स्लेवरी को। बट मॉडर्न टाइम पीरियड में देखेंगे, यू विल सी दैट स्लेव इज अ लेजिटिमेट टर्म, ठीक है, तो स्लेवरी डेवलप होगी। और स्लेवरी इस तरीके से डेवलप होगी कि यहाँ पे कुछ ऐसे स्लेव्स भी होंगे जो कर्जा नहीं चुका पाएंगे तो अपने आप को बेच देते हैं, They will sell themselves, ठीक है। और स्लेवरी इसीलिए आती है, क्यों? क्योंकि पॉटर, एज अ पॉटर काम करना है, वीविंग इंडस्ट्री में काम करना है, ट्रेड में काम करना है। सो वन थिंग, जो शूद्र का अपलिफ्टमेंट हुआ उसकी वजह से देर इज अ नीड, इसलिए बोलते हैं ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। लोग स्लेवरी आ गई, अब स्लेवरी आ गई, इसके अलावा वीविंग का काम, ये आदमी लोग बोलता है कि हम लोग तलवार चला सकते हैं लेकिन सुई नहीं चला सकते। वीविंग करने के लिए आपको चाहिए पेशेंस, क्यों? क्योंकि बहुत महीन काम होता है, आपको उसमें क्या करना है, कारीगरी करनी है, ये नहीं कहेंगे मार दिया जाके कुछ भी कर दिया। घड़ा बनाना आसान है बट वीविंग करना बड़ा मुश्किल है, ठीक, आपको स्किल्स चाहिए, ठीक। तो स्किल्स में एक दो इंसान जो है वो हो सकते हैं कि उन्होंने सीख लिया हो, बट आपको लगेगा यहाँ पे क्या है, बीच में जब आप मॉडर्न टाइम पीरियड पढ़ेंगे भी ये सब लिंक्ड है, सेम सुताई सीट है, वुमेन का अपलिफ्टमेंट होता है, जो स्टेटस डाउन हो गया था नाउ इट विल बी अपलिफ्टेड। और वो अपलिफ्ट क्यों होगा? बिकॉज नीड है, जरूरत है, इंडिया का टेक्सटाइल वर्ल्ड में डिमांडिंग है, तो टेक्सटाइल में वीविंग का काम कौन करेगा, नक्काशी का काम कौन करेगा, जरी का काम कौन करेगा? आदमी पुरुष तो कर नहीं पाता है क्योंकि उसने कभी किया ही नहीं, कौन? फीमेल, एंड फीमेल प्रोवाइड चीप लेबर। आदमी तो काम कर ही रहा है, ठीक है, आदमी को मिल रहा है एक दिन का 5 रुपया, ठीक, उस समय बहुत बड़ी बात थी 5 रुपये, तो फिर भी बहुत ज्यादा बता दिए मैंने, ठीक, मान लो उसमें 5 रुपये तो चलता नहीं था, पना चलता था, पना 24 पना 30 पना इस तरीके की सैलरी मिलती थी सालाना, एक महीने में मान लीजिए 2 पना मिल रहा, तो एक पना अगर फीमेल भी लेके आ जाए तो इट विल बी एक्स्ट्रा इनकम टू द हाउस, ठीक। तो यहां से वुमेन अपलिफ्टमेंट होता है, ठीक, इतिहास में या किसी भी समाज में। ये मत सोचिए कि कोई भी चीज हो रही है वो बहुत अच्छे कारण से हो रही है, कि नहीं नहीं अब ये लोग जाग गए हैं, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे सबको, नो। चीजें हिस्ट्री में या पॉलिटिकल हिस्ट्री में तब होती हैं जब उनकी क्या है, नीड अराइज होती है, ठीक। विमेन स्लेव्स एंड चिल्ड्रन वर इन्वॉल्व्ड इन सच काइंड ऑफ वर्क्स बिकॉज दे वर चीप, ठीक, उनको कम पैसे में काम कराया जा सकता है। स्लेवरी हैज बीन इन्वेंटेड बिकॉज शूद्र हैज lifted themselves, ठीक, उनका economic और social upliftment हो चुका है, now they are no more untouchables, ठीक, और उसमें से अगर कोई गलत काम करता है तो उसको untouchable की category में डाल दिया जाता है as a punishment, ठीक है। और ये जो punishment हुआ करती थी untouchability का punishment, this was the severe punishment, क्यों? क्योंकि अगर आपको untouchable घोषित कर दिया गया तो आपको शहर से निकाल देंगे, ठीक, आपके पास कोई पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक राइट्स नहीं रहेंगे, आप उस देश के उस नगर के सिटीजन ही नहीं रहेंगे, तो इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है, मतलब आप एग्जिस्ट ही नहीं करते किसी के लिए, आपको कोई मार के चला जाए तुम कौन हो हमें क्या मालूम, ठीक। आपके पास अभी जो सबसे ज्यादा बड़ा हक जो है आपका वो ये है कि दैट यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, एज सून एज यू बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया यू हैव ऑल द राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, आपके जो प्रोटेक्शन राइट है सब हैं आपके पास, और जैसे ही आप सिटीजन नहीं होते हैं तो आपसे सब छीन लिया जाता है, ठीक। तो बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक। इफ यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया देन यू हैव ऑल द राइट्स, बट इफ यू आर पीपल ऑफ इंडिया यू आर मास,
मार दो इनको, खत्म करो, तो मतलब नहीं इनका, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे कि वुमेन अपलिफ्टमेंट भी होता है, और वुमेन अपलिफ्टमेंट इसलिए होता है बिकॉज देयर वाज अ नीड इन द वीविंग इंडस्ट्री, ठीक है। तो टेक्सटाइल में कौन काम कौन करेगा, यही लोग करेंगे, ठीक। और जब चाणक्य आएंगे तो वुमेन की नीड और पड़ेगी, क्यों? क्योंकि चाणक्य वॉज वेरी टेढ़ा फ्रॉम दिमाग, ठीक है। जो आप नहीं सोच सकते वो वही करेगा, ठीक है। तो चलिए, ये मैंने आपको, क्योंकि एक पॉइंट आया तो आई मेड यू टू अंडरस्टूड कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि शूद्र जो है वो एक राजा बन गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसका इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग था। अगर इकोनॉमी स्ट्रांग था तो सोशल भी वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा, उसको स्टेटस मिलेगा सोसाइटी में। और अगर स्टेटस मिल गया, पैसा है, तो ऑब्वियसली ही कैन डू एनीथिंग, ठीक। यही तो चाहिए। आगे लिखिए इसमें, आगे मतलब स्टार्ट करिए। महापद्मनंद, लिखे आफ्टर कमिंग टू पावर He took resolve. ये तुम लोगों ने बनाया है कि नहीं बनाया है? तो जिसने बनाया, तुम लोग बहुत अच्छे लोग हो। जिन्होंने नहीं बनाया है, तुम लोग, मैं बोल नहीं सकता शब्द, ठीक है। He took resolve to eliminate all Kshatriya from Magad, and he did so. That's why he is called as Mahakshatrantak. He is called as Mahakshatrantak. Put a comma, then write, because he has the largest army. Because he has the largest army, he is also called as Ugrasen. He is also called as Ugrasen. Full stop. Then write. He annexed Utkal. Utkal means Uttar Kalinga, मतलब North Kalinga. आपके राष्ट्रगान में भी उत्कल आता है, उत्कल का मतलब ये North Kalinga, ठीक है। Annexed Utkal and took the title of Ekarath. Took the title Ekarath, Ekarat, ब्रैकेट में लिखिए सोल मोनार्क, अकेला, सोल मतलब इकलौता, along with military annexation, he was the well-wisher of lower class and developed many irrigational facilities for the farmers which also led to increase in agricultural produce. तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मतलब ग्रेट टैक्स मतलब ग्रेट इकोनॉमी मतलब लार्जेस्ट आर्मी, खत्म कहानी, हो गया। रीजन ऐसे ही बनता है,
आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। अब बार बार टीचर नहीं बोलेगा कि ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है। सवाल लिखे आप महापद्मनंद, महापद्मनंद, धनानंद वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग, धनानंद वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग and he was very shrewd, shrewd, shrewd बहुत ही चालाक, shrewd and cunning, but at the same time he was a pleasure seeking person, pleasure seeking person. When your fathers and forefathers provide you good life, अगर आपके संस्कार अच्छे हैं तो आप उसको next level पे लेके जाएंगे, और अगर आपके संस्कार खराब हैं because you got an easy life, चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हो तुम, तो अब तुम क्या करोगे, अब तुम enjoy करोगे because you have wealth, और जब आप enjoy करोगे तो आप अपने आप को destroy कर लोगे। तो धनानंद जो था वो ऐसा ही था, ठीक है। दो ही वॉज पावरफुल, ठीक, बहुत ही क्लेवर इंसान हुआ करता था, बट तब तक जब तक वो नशे में नहीं है, और मैक्सिमम टाइम वो नशे में रहता था, ठीक है, तो उसको होश ही नहीं रहता था कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ वो, और किसी को वो अच्छे से क्यों ट्रीट करेगा। उसके पास वेल्थ है, उसके पास लार्जेस्ट आर्मी, सब उससे डरते हैं, क्यों, क्योंकि उसके एंसेस्टर जो है वो इतना स्ट्रांग रहा है कि इवन क्षत्रिय फियर किसको, महापद्म को, एंधानंद को, जो बड़े बड़े क्षत्रिय हैं सबको तो साफ कर दिया उसने महापद्मनंद ने, तो कोई बचा ही नहीं है। इवन ब्राह्मण जो हमेशा कहते थे कि नहीं नहीं ये शूद्र हैं, ये हैं, वो हैं, दे आर सर्विंग इन द कोर्ट ऑफ धनानंद एंड महापद्मनंद एंड दे हैव टू सर्व, उनको सर्व करना ही पड़ेगा, नहीं तो पहुंच जाएगा। जैसे बोले क्षत्रियों को साफ कर दिया, ब्राह्मणों को भी साफ कर देते हैं, खत्म कहानी, तो ये चलता रहता है, ठीक। तो सब लोग फियर में है, और रूल जो है इसी तरीके से किया जाता है, या तो फियर या तो लव, ठीक, या तो आप मार के पढ़ा लो या तो आप प्यार से पढ़ा लो, ठीक, या आपका जो देश है वो प्यार से चलेगा या तो फिर डर से चलेगा, ठीक। बट यूजुअली क्या होता है कि अगर इस इनका कॉम्बिनेशन हो तो ज्यादा सही रहता है। उधर तुम दोनों क्या बतिया रहे हो, मुझे बड़ी टेंशन हो जाती है जब दो लड़के लड़के बतियाते रहते हैं। अगर लड़का लड़की बात कर रहे हो तो चलो ठीक है, कुछ तो कर रहा है, दे आर इन्वेस्टिंग देयर टाइम इन अ गुड थिंग,